हरिओम, मेरा नाम सुबलक्ष्मी अय्यर, मैं खारगढ़ उपासना केंद्र से हूँ और मैं बापू के पास 1999 से आने शुरू की। मुझे मेरी सहेली कल्पना खरे वो पहली बार बापू के पास ले आई। उस दिन से आज तक मेरी लाइफ में अनेक असंख्य मेरे पास अनुभव जमा हुए, लेकिन उन सबसे जो सबसे अहम और सबसे बड़ा अनुभव है वो मैं आपके साथ आज बताना चाहती हूँ। मेरी शादी, मेरी उम्र जब 40 थी, तभी श्री सुरेश सिंह अय्यर से, बापू मोठियाई और सुचिदादा नंदाई की कृपा आशीर्वाद से हुई। हमारी शादी होने के बाद मेरे पास बच्चा होने के लिए टाइम बहुत कम था, इसीलिए सुचिदादा के सलाह के अनुसार हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। बापू ने मेरे रिपोर्ट्स बहुत पहले ही देखे थे और उन्होंने सुबह को एक बार कहा, सुबह टेंशन मत लेना, एक बच्चा ज़रूर होगा, और ऐसे थम्सअप किया था। और इसी वजह से हमें काफ़ी आत्मविश्वास भी था और हमने आत्मविश्वास से हमारी ट्रीटमेंट शुरू की। पहले IUI हुए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर IVF किया वो भी फेल हुआ, सेकेंड IVF किया वो भी फेल हुआ, थर्ड IVF किया उसमें मुझे मिसकैरेज देखना पड़ा। हम बहुत निराश हुए। उसके बाद बापू ने भी मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे कृपा आशीर्वाद दिया। इन सबसे मैं जो निराश थी वो पूरी तरह से निकल गई और दादा ने मुझे कहा, बस अभी एक ही IVF करना है। उनके वो शब्द थे जैसे कि सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु का जो कोई हमारे लिए प्लान होता है तो यश तो पक्का होता है। वैसे ही चौथा IVF मेरा डॉक्टर हितेश पारे के पास हुआ और वो ऑपरेशन, वो जो IVF हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। मैं गर्भवती बनी और मेरे मुझे पूरे 9 महीने बेड रेस्ट लेनी पड़ी क्योंकि दादा की सलाह थी 9 महीने बेड रेस्ट लो। उसके बाद 8वें महीने में जब भी थी तब मेरे पिताजी चल बसे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा मानसिक धक्का था क्योंकि वो अचानक से चले गए, बट उस दुख में से, उस धक्के में से भी मुझे मेरे सदगुरु ने बाहर निकाला। और फिर हमारे जीवन में सबसे जो अहम दिन था, सुवर्ण दिन था, वो 19 अप्रैल 2013 को रामनवमी के सुमुहूर्त पे मेरे बच्चे ने जन्म लिया। कृतार्थ को नाम नंदाई ने दिया, बच्चे का नाम आई ने रखा कृतार्थ। और ये कृतार्थ का धरती पर आना, इसका मतलब वो सिर्फ मोठी और बापू का संकल्प था। नहीं तो मेरे 44 के एज में और बापू सुबह 50 के एज में माँ और बाप बनना, ये तो असंभव ही था। क्योंकि जिस डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट की वो स्वयं हितेश पारे खुद शॉक में चले गए। उस दिन वो रामनवमी के दिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसी दिन उन्होंने रात को बापू से भेंट ली और बापू को कहा कि सुबलक्ष्मी के सारे रिपोर्ट्स उसके विरुद्ध थे, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, ये मैंने रिपोर्ट देके जाना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने मुझे उसे आपने मेरे पास भेजा, इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट की। और ट्रीटमेंट की तभी भी मुझे कोई विश्वास नहीं था कि वो सफल होगी, बट सफल हुई। और आज जब डिसाइड किए हुए, जैसे हमने उसका सिजेरियन किया तो जब उसका उसकी गर्भाशय की रचना देखे तो हम पूरे हक्का बक्का हो गए। उसकी रचना ऐसी है कि उसमें एक क्या 10 भी IVF करें तो एक भी बच्चा कभी जन्म नहीं ले सकता था, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ा क्योंकि हमारे हाथ में हट्टा कट्टा एक बेबी था 7 पाउंड का। बापू ये कैसे सब हुआ, ये बड़ा चमत्कार है, साइंटिफिकली दिस इज़ रियली मिराकल बेबी। ये सब चीज़ होते होते उसके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ थी। कृतार्थ ने जन्म तो लिया, लेकिन जब पहले वो पहला उसका जब टेस्ट हुआ फर्स्ट 1 महीने के बाद, तो पहले टेस्ट में ही डॉक्टर प्रीति पारे को उसके दिल में मरमर सुनाई दी। वो मरमर सुनने के बाद उसने कहा कि हमें कुछ एक 2D को करना पड़ेगा। हमने 2D को एक माटुंगा और दादर के एक डॉक्टर हैं उनके पास किया। रिपोर्ट में ऐसे आया कि उसके दिल में 2 होल हैं। एक होल था वो ऊपर की तरफ था जो बुझा ही नहीं था, जैसे कि हर बच्चे का होता है लेकिन वो जन्म लेते समय बुझ जाता है, उसका नहीं बुझा था। और दूसरा होल दिल के नीचे के हिस्से में था जहाँ पे वो 5 mm का था, यानी मीडियम साइज़ का था, जो ऐसे ही अपने आप कभी बुझने वाला नहीं था। और उससे भी अहम बात ये थी कि उसका नीचे का जो वॉल था वो वॉल हमेशा की जगह छोड़ के नीचे का बैठा था, लेकिन वो फंक्शनिंग था। तो हमने ये सब सुना और हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन ही ठहर गई। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा अभी आप टेंशन मत लो, वो बहुत छोटा है। हमने कहा इसमें उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा ओपन हार्ट सर्जरी। हमने कहा, वो बोले अभी कुछ नहीं करना है, शांत रहो, 6 महीने के जाने के बाद हम डिसीजन लेंगे। हमने सारे रिपोर्ट्स जाके दादा को दिखाए, दादा ने बापू को दिखाए, बापू ने कहा ये सारे रिपोर्ट राजीव कर्णिक को दिखाओ। राजीव कर्णिक जी ने देखा और उन्होंने कहा कि 6 महीने रुकते हैं। बीच में दरमियान एक फंक्शन में मुझे बापू मिले, बापू ने मुझे कहा बेटा टेंशन मत लेना, वो होल वोल का कुछ भी टेंशन नहीं लेना, जस्ट ट्रीट हिम नॉर्मल, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। और मैं बस सुनती रही। उन्होंने कहा कि देखो एक होल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और दूसरा होल ना मेरी बूठी आई यूँ बुझा देगी। वो उनके शब्द मेरे मन में और तन में संचार कर गए।
और मेरी मन की सारी चिंताएं क्षण में दूर हो गई। मैं माँ थी, मेरी सारी चिंताएं दूर हुई उसी दिन। उसके बाद कृता की अच्छी सेहत होती रही, वो 7 महीने का हुआ, 7 किलो का हुआ और फिर दूसरा टुरिगो हुआ। दूसरा टुरिगो में ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि वो जो 5 mm का मीडियम साइज़ का होल है वो अभी 4.5 mm का हुआ है, लेकिन और बुरी बात यह है कि उसका जो PS यानी हमारे हृदय से लेके फेफड़ों की तरफ जाने वाली जो वेन होती है उसमें एक तरह का प्रेशर हमेशा डेवलप होता है हर बॉडी में, तो वो 7 से 10 के बीच में होना चाहिए, इसका 50 के ऊपर गया था। तो उन्होंने कहा अभी ये ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, हमें 6-7 महीने में ये प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करके इसको फिक्स कर देंगे। हमने पूरी चर्चा के दौरान वो सिर्फ एक होल के बारे में उन्होंने कहा, तो हमने पूछा कि वो दूसरे होल का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कौन सा दूसरा होल, वो तो चला गया। हम बस सुनते रहे, निशब्द हुए, गदगद हुए। मेरे सद्गुरु का वचन था जो वो सत्य हुआ, सद्गुरु का सत्य वचन का परिचित हमने ले लिया। और दादा बापू ने कहा था कि मोठियाई एक होल यूँ बुझा देगी, तो कोई भी मेडिकेशन के बिना वो होल बुझ गया था अपने आप, और दूसरे होल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका भी ऑपरेशन फाइनल हुआ। सारे रिपोर्ट्स वापस हमने दादा को दिखाए, दादा ने कहा कि चिंता मत करो, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर राजीव गणी को दिखाओ और वो जो कहेंगे वो करो। हम राजीव गणी को रिपोर्ट दिखाए, वो कहे कि क्या हम ऑपरेशन अभी तुरंत इसी महीने में कर सकते हैं। हमने कहा जैसे आप कहे वैसे। फिर बापू ने पैसों की भी इंतज़ाम कर लिया, मेरा BPCL से पेमेंट भी अरेंज हो गया और मुलुंड फोर्टिस में उसका 23 दिसंबर 2013 को ऑपरेशन फाइनल हुआ। जैसे ऑपरेशन की घड़ी नज़दीक आई, दिल में धड़धड़ धड़धड़ धड़कन बढ़ने लगी। लेकिन ऑपरेशन के दिन डॉक्टर पौरसिया खुद आए थे वहाँ पे, और उन्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा मेरे बापू ही आए। वो पूरे ऑपरेशन में OT में अंदर थे। उन्होंने ऑपरेशन में जाने से पहले हमें इतना ही कहा, धीरज दिया, कहा कि देखो डॉक्टर सिर्फ वो अंदर सिलाई का काम करेंगे, आप नामस्मरण करो, आखिर में वो है ना वही काम करेगा। हम पूरे ऑपरेशन में हनुमान चालीसा और अनिरुद्ध चालीसा बोलते रहे। ऑपरेशन अत्यंत यशस्वी हुआ, सफल हुआ, और डॉक्टर राजीव कर्णिक ऑपरेशन के बाद बाहर आए और इतने खुश थे, वो बोले आज चमत्कार हुआ, वे बापू की कृपा है, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, उसको ना पेसमेकर लगाना पड़ा, ना उसके हार्टबीट्स बंद हुए, ना उसके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हुआ। इन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ हर एक बच्चे के ऑपरेशन में हमेशा होता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। हम सिर्फ देखते रहे, आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने कहा कि और बड़ी बात यह है कि उसका जब हमने ओपन चेस्ट ओपन किया तो देखा तो उसका जो स्टेनोइसिस यानी एक छाती के बीचों बीच एक भाग होता है जो हमेशा VSD बच्चों के बारे में या तो बहुत जाड़ा होगा या तो बहुत पतला होगा, बट इसका वैसा नहीं था, इसका एकदम राइट शेप में था। इसी वजह से शायद उसको बापू ने वो कवच दिया था जो 7 महीने के लिए उसको ज़रूरी था, उसका वज़न बढ़ा, वो अच्छी सेहत रख पाया और इसीलिए वो ऑपरेशन के लायक भी हुआ। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बापू ने ये ऑपरेशन एकदम राइट टाइम पे यानी उचित समय पे किया। देखो अगर ये ऑपरेशन और 2 महीने डिले होता था ना तो उसका वॉल फट जाता था। हम देखते रहे, फट जाता था मतलब, उन्होंने कहा कि वो वॉल फंक्शनिंग था लेकिन उस वॉल पे भी एक छिद्र था जो कोई भी रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। अब 2-2 दिन ही टूटी हुए बट उसमें वो रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। जो रिपोर्ट का जो दिखा नहीं भाग वो मेरे सदगुरु को पता था, इसीलिए उन्होंने ये केस मेरे राजीव गांधी के पास भेजी और राजीव गांधी ने तुरंत ऑपरेशन लेके उचित समय पे उसका वो वॉल बचाया। अगर हम दादर के डॉक्टर के, देखो आज हम अगर बापू के पास नहीं होते तो आम जनता की तरह हम उस डॉक्टर पे भी निर्भर रहते। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद कर सकते हैं, अब उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने भी वो रिपोर्ट में तो नहीं आया था तो उन्हें भी पता नहीं था। तो यही है कि बापू ने उचित समय पर ऑपरेशन करा के कृतार्थ को आज यही जन्म में दूसरा जन्म दिया। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर विजय अग्रवाल से मिले जिन्होंने एक्चुअली कृतार्थ का ऑपरेशन किया था। वो सुबह बहुत गदगद हो गया, निशब्द हुआ और उसने कहा डॉक्टर आपने मेरे बेटे को बचाया, दूसरा जन्म दिया। तो उन्होंने कहा नो डोंट वरी, देखिए हमने सिर्फ हमारा काम किया है, ये एक्चुअली इस पौने 4 घंटे का ऑपरेशन फिक्स किया था उसमें 2.5 घंटे में ही ऑपरेशन हुआ और कोई भी दुविधा कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई। ये सच में सिर्फ और सिर्फ आपके सदगुरु की कृपा की वजह से और जो आपका विश्वास है ना उनके उन पर उसकी वजह से। बापू भक्त नहीं है डॉक्टर विजय अग्रवाल, बट उनके ये शब्द थे और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को संभालो, ही इज़ अ रियल मिराकल बेबी। और 7 दिन के अंदर कृतार्थ डिस्चार्ज होकर घर पर भी आया। आज कृतार्थ 9 साल का हुआ है, वो सब कुछ करता है, स्टडीज़, टेनिस, लॉन टेनिस खेलता है, मृदंगम बजाता है, सफाई, स्विमिंग, साइकिलिंग,
हर चीज़ वो बहुत सफाई से कर लेता है, ही इज़ अ टोटली फिट बेबी। मेरा बच्चा मेरे हाथ में सेफ करके बापू ने मुझे दिया, उसका प्रारब्ध एक पहाड़ की तरह था लेकिन उसको एक मक्खन की गोली की तरह छोटा सा बना के उसको हल्के से निकाल दिया मेरे बापू ने। मैं बापू के बारे में बहुत रुणी हूँ, हम अंबद ने हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, आई लव यू माई डैड, मेरे बापू, आई लव यू फॉर एवर। श्री राम अंबद ने नाथ सौमित्र।